हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं चार मंडे बैगर वर्ल्ड। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि आईपीओस की जो है बारिश कंटिन्यूअस यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है हमें, और आप सभी ने अप्लाई भी किया होगा। बहुत से लोगों को यहां पर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं आईपीओस में इन्वेस्टमेंट करते टाइम। तो यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों में शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मालूम हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो है वो आप अप्लाई करने जाते हैं, चाहे आप स्टॉक्स हो, ज़रोधा या आपका कोई भी अकाउंट हो, आप हमारे साथ आप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर वीडियो भी बनाकर बताया हुआ है कि ज़रोधा और आप स्टॉक्स में किस तरह से अप्लाई करना है, अगर कोई मिस्टेक हो रही है आपसे तो इन वीडियोज को आप देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि कितने स्टॉक्स मुझे बाय करना चाहिए। तो यहां पर स्टॉक्स नहीं होते हैं, लॉट्स होते हैं, जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाती है जब आप अप्लाई करने जाते हैं। तो गाइस, यहां पर हम सबसे पहला पॉइंट जान लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक गलती जो आप मोस्टली कई लोग कर बैठते हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि आप पैन नंबर, एक ही पैन नंबर से अगर अलग अलग कंपनी में आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप उन डीमेट अकाउंट का यूज बिल्कुल ना करें अप्लाई करने में आईपीओ के टाइम, क्योंकि वहां पर पेमेंट फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप सिर्फ एक पैन नंबर से एक ही डीमेट अकाउंट जो यूज करते हैं सिर्फ उसी से आप अप्लाई कर सकेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आपको अलग अलग पैन नंबर से अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन किए हुए हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के, तो आप उनके अकाउंट अलग अलग यूज कर सकते हो एक एक लॉट के लिए, तो वहां पर आपके फंड के फंसने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो जाएंगे। फंड आपका टाइम पर रिलीज हो जाएगा और आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की। बहुत से लोगों के मन में आता है कि यूपीआई आईडी आपको कौन सा यूज करना है, क्या आप अपने फ्रेंड का या किसी फैमिली मेंबर का यूज कर सकते हैं आप अपने डीमेट अकाउंट में पेमेंट करने के लिए? तो हाँ, यहां पर आप किसी भी यूपीआई आईडी का यूज कर सकते हो अपनी पेमेंट करने के लिए। मैं खुद भी अपनी यूपीआई आईडी से अपने पूरे फैमिली मेंबर के अकाउंट में पेमेंट कर अप्लाई किया करता हूं। जो भी शेयर खरीदना होता है किसी के अकाउंट में तो वो भी किया करता हूं अपनी यूपीआई आईडी से। तो यहां पर आप भी अपना यूपीआई आईडी यूज कर सकते हो या अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर का यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या रिजेक्शन होता है आपकी पेमेंट करते टाइम, तो यहां पर जो भी इशू है वो बैंक की तरफ से टेक्निकल इशू होता है। जो छोटे मोटे बैंक जो होते हैं गवर्नमेंट के, ज्यादातर उनमें ये देखने को मिलता है, कभी कभी प्राइवेट बैंक्स में भी ये इशू देखने को मिलता है। तो ये जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आपके बैंक की तरफ से होती है, वहीं से सॉल्यूशन आपका किया जाएगा। तो अगर आपकी पेमेंट जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, अप्लाई करने गए थे बट वहां पर रिजेक्शन दिखा रहा है, तो पेमेंट आपकी बैंक की तरफ से कुछ ही टाइम में रिलीज कर दी जाएगी। तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है। आप चाहो तो अपना एप्लीकेशन को डिलीट कर यानी कि कैंसिल कर आप फिर से अप्लाई कर दूसरी यूपीआई आईडी का यूज कर लें उस टाइम, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तो सॉल्यूशन मैंने यहां पर आपको बता दिया है, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा जल्द से जल्द, जितना भी हो सकेगा मैं देने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात यहां पर यह है कि आपका फंड जो है वो ब्लॉक हो चुका है, विड्रॉ नहीं दिखाएगा वो आपके अकाउंट में, कोई भी कटिंग नहीं दिखाएगा, यानी विड्रॉ आपके अकाउंट में लिखा हुआ नहीं आएगा। आप चाहे स्टेटमेंट निकलवा लें या कुछ भी आ जाए, वहां पर आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक, पेमेंट आपका ब्लॉक कर दिया गया है या विड्रॉ किया गया, ऐसा अभी कुछ लिखकर नहीं आएगा। बट जो लिस्टिंग का टाइम होता है, लिस्टिंग के टाइम से 3 दिन पहले आपको जो है वो शेयर इशू किए जाते हैं, आपका नाम वहां पर आता है, और अगर नहीं आता है तो आपका जो फंड है वो लिस्टिंग के 2 दिन पहले आपको रिफंड कर दिया जाता है। अगर फिर भी आपको रिफंड नहीं मिलता है तो यहां पर आपको रिफंड के लिए फिर लिस्टिंग के 10 दिन वेट करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट में वहां पर आपका ब्लॉक डेट लिखी रहेगी, कब से कब तक आपका पेमेंट ब्लॉक रखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो लिस्टिंग, अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है 2 दिन पहले, तो फिर आपको लिस्टिंग के 10 दिन बाद पेमेंट इशू किया जाएगा, यानी कि 11वें दिन। अगर फिर भी आपका ब्लॉक वहां पर रहता है तो गूगल है, सर्च कीजिए जिस कंपनी का आईपीओ आपने अप्लाई किया था उसका रजिस्ट्रार ऑफिस, आप जैसे तत्व चिंतन है, तत्व चिंतन का रजिस्टर ऑफिस यहां पर आप सर्च करेंगे तो रजिस्टर ऑफिस का आपको एड्रेस, ईमेल एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। तो वहां पर ईमेल एड्रेस पर आपको करना क्या है, अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर बिल्कुल भी मत भूलिएगा, पैन नंबर डालना बहुत ही जरूरी होता है, पैन नंबर से ही सारी चीजें डिटेक्ट की जाती हैं। तो यहां पर पैन नंबर डालिएगा, जो पेमेंट आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा,
और रिफंड करने की रिक्वेस्ट करिएगा, वहां से आपका तुरंत रिफंड कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द रिफंड कर दिया जाता है। तो गाइज जो भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपकी नजर आई उन सभी के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं, सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। और भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके जवाब देने की। तो यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय।